देखिए गोपाल भाड़, ये है गोपाल भाड़। महाराज, आप मुझे बुलाए थे? हाँ दीवान जी, ये सब क्या सुन रहा हूँ तुम्हारे बारे में? क्या सुने हैं? सुना हूँ कि तुम महामंत्री को हिसाब नहीं दे पा रहे हो। हाँ हाँ महाराज, बात सही है। हिसाब क्यों नहीं दे पा रहे हो बताओ जरा। मुनीम जी की तबीयत खराब है और वो संस्कृत में समझते हैं और मुझे संस्कृत आती नहीं, तो मैं हिसाब कैसे समझाऊं उनको? इसके लिए किसी की सहायता ले लेते। संस्कृत? माफ कीजिए महाराज, ये बोझ मेरे कंधे पर मत डालिए महाराज। तो फिर कवि रत्न? मैं तो कवि रत्न हूँ और मैं कविता लिखना जानता हूँ, और सोने चांदी की मुद्राएं गिनते गिनते मैं तो अपना कविता ही भूल जाऊंगा। महाराज, इस विषय में मैं आपसे पहले ही कहा था महाराज, अपने मुनीम बूढ़े हो चुके हैं, उनके जगह पे विश्वासी मुनीम ढूंढ लीजिए। ये कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल है जो बाजार से किसी मुनीम को उठाकर अपने राजमहल में लेकर चले आए? महाराज, मेरी राय यह है कि आपस में झगड़ा न करके नवाब बहादुर के पास संदेश भेजकर इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करें हम लोग, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। हाँ महाराज, गोपाल बिल्कुल सही कह रहा है महाराज। हाँ महाराज, हम लोग गोपाल के इस बात से सहमत है। सलाम नवाब बहादुर। क्या संदेश है पहरी? कृष्णनगर से महाराज कृष्णचंद्र के एक दूत आए हैं। अंदर ले आओ। जो हुक्म जहां बना। नवाब बहादुर, क्या लिखे हैं संदेश इस पत्र में? लिखे उनके मुनीम की तबीयत बहुत खराब है, उनके राजमहल में हिसाब करने के लिए एक विश्वासी मुनीम की जरूरत है, यही लिख। ये कैसी मुसीबत है, राजमहल का हिसाब करने के लिए विश्वासी मुनीम कहाँ पाएंगे? वही तो सोच रहा हूँ। सलाम वालेकुम नवाब बहादुर। क्या खबर लाए हो पहरी? एक ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है। भेज दिया जाए। जो हुक्म जहाँ पना। प्रणाम नवाब बहादुर। ब्राह्मण, तुम नवाब बहादुर के पास किस कारण से आए हो? संस्कृत में नहीं, उर्दू में बोलिए, तब जाकर समझेंगे। मैं एक विद्वान ब्राह्मण हूँ, एक नौकरी के लिए नवाब बहादुर के दरबार में आया हूँ। तुम कौन सा विषय लेकर पढ़े हो पंडित, मुझे बताओ। गणित शास्त्र लेकर पढ़ा हूँ। वाह, यह तो बिन बादल बरसात है। मेरे राज दरबार में कोई जगह खाली नहीं है, अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें कृष्णनगर में भेज सकता हूँ, समझे? वहाँ पे एक विश्वासी मुनीम का सख्त जरूरत है। मैं जाऊँगा सुल्तान बहादुर। तब तुम कौन कौन सी भाषाएं जानते हो बताओ। जी मैं संस्कृत, हिंदी, उर्दू, बंगला। वाह, तब तो कोई समस्या ही नहीं है। स्वयं नवाब बहादुर जब तुम्हें भेजे हैं तो मैं तुम्हारा परीक्षा लेकर उनका अपमान नहीं कर सकता। तुम आज से ही काम पे लग जाओ। जो आज्ञा महाराज। दीवान जी, आप इन्हें मुनीम के कक्ष में ले जाओ। जो आज्ञा महाराज। दीवान जी, नया मुनीम कैसा काम कर रहा है? बहुत अच्छा। केवल यही नहीं महाराज, हिसाब के अलावा भी और भी बहुत सारे गुण हैं। वेद पुराण ऐसा कोई विषय नहीं जो वो नहीं जानते हो। महाराज, रुक क्यों गए बोलिए। वो बीच बीच में सभा में आने की अनुमति मांगे हैं। वो कह रहे थे उस सभा में बहुत ज्ञानी ज्ञानी व्यक्ति आते हैं, मैं उस सभा में जाऊंगा तो मेरा ज्ञान भी और बढ़ जाएगा। ठीक है, वो अपना काम खत्म करके अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं। आप उनको मेरा यह निर्देश बता दीजिएगा। अच्छा नवाब बहादुर, एक मजा करते हैं। क्या मजा? हम लोगों का भेजा हुआ ब्राह्मण बहुत भाषा जानता है, लेकिन कृष्णनगर के राज दरबार में वो शुद्ध हिंदी बोलता है। हम लोग महाराज के पास एक पत्र भेजते हैं।
ये क्या महाराज, ये कैसी मुसीबत है? आप तो हिसाब रखने वाले मुनिम को ढूंढ रहे थे। देखिए कौन किसका मातृभाषा है, कौन किसका पितृभाषा है, ये सब ढूंढना हम लोगों का काम नहीं है। ये सब उससे ना पूछकर हम लोगों से पूछते हैं, सब आफत है। तुम लोग इसे भेजे हो, तुम लोग इसे ले जाओ। हम ले जाएगा, साथ में आपको भी बांध कर ले जाएगा। क्यों क्यों? क्योंकि आप सुल्तान बहादुर का अपमान किया, उनके करीबी व्यक्ति को राज्यसभा से भगा रहे। अरे ये क्या हुआ, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। आप लोग चिंता ना करें, मैं अभी इस समस्या का समाधान करता हूँ। महाराज आप उस ब्राह्मण युवक को राज्यसभा में बुलवाइए। ठीक है पहरी। महाराज वो आ रहे हैं, देखिए। आओ तुमरा के अंधवा चो, दिनर बला किचु बुझते पाचो ना। हाँ महाराज ब्राह्मण बांग्लादेशी है। मुनीम यह बात क्या सच है? जी हाँ महाराज। महाराज तब मैं चलता हूँ। सच में गोपाल, प्रकृति में एक तुम ही बुद्धिमान हो। यह लो तुम अपना पुरस्कार। जय महाराज कृष्ण चंद्र की जय। एक घने जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पे दो कौवा रहते थे और उस पेड़ के बिल में एक सांप रहता था। जब जब कौओं का बच्चा होता था तब तब वो जहरीला सांप उन बच्चों को खा जाता था। और एक दिन दोनों कौओं ने, बोल सकते हो मैं कितने दिन अब ये तकलीफ सहूंगी अपने बच्चों का खोने का, बताओ मैं क्या करूं? क्या करूंगा बताओ, तुम तकलीफ मत करो, बताओ उस जहरीले सांप से हम लोग क्या लड़ सकते हैं? हाँ बताओ। उस पेड़ के नीचे गड्ढे में रहता था एक लोमड़ी। दोनों कौओं का उस लोमड़ी से बड़ी ही दोस्ती थी। हमारे इन दोनों बच्चों को कैसे भी करके बड़ा करना होगा, लेकिन मुझे हमेशा ये डर लगा रहता है कब वो जहरीला सांप आएगा, वो आके इसे खा जाएगा। क्या करूँ मैं बताओ, मुझे भी तो यही डर लगता है, लेकिन खाने के तलाश में बाहर तो जाना ही होगा। मैं क्या कह रही हूँ, चलो हम लोग चलते हैं, किसी और पेड़ पे जाके वास करेंगे। यही करना होगा लग रहा है, लेकिन जाने से पहले लोमड़ी दोस्त से जाके बात करना होगा इस विषय में। हमारा दोस्त बहुत ही बुद्धिमान है, सांप को सबक सिखाने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो बता ही देगा। तुम लोग अपना घोंसला छोड़ के जा रहे हो, इसका मतलब तुम लोग सांप के सामने हार मान गए। लेकिन दोस्त हम लोग तो उस जहरीले सांप से नहीं लड़ सकते। अरे दोस्त तुम्हारे पास शक्ति नहीं है तो क्या हुआ, दिमाग तो है ना, दिमाग के आगे शक्ति कुछ नहीं। उस लोभी सांप को तुम लोग चतुरता से ही सबक सिखा सकते हो, समझे दोस्त? कैसे दोस्त, सुनो तो फिर। राजमहल के सरोवर में राजकन्या स्नान कर रही थी। स्नान करते समय वो अपना वस्त्र और अलंकार किनारे रख कर स्नान कर रही थी। तभी उसी समय, यही समय है, दिमाग लगाकर काम खत्म कर लेता हूँ। अरे अरे अरे, ये कौवा मेरा हार लेके चला गया, कौन कहीं हो क्या? क्या हुआ राजकुमारी? जल्दी से जाके उस कौवे को पकड़ो, मेरा हार लेके चला गया है वो। अभी लेके आ रहे हैं। ओए ओए ओए, रुक 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 रुक, कौवा कहाँ जा रहा है? रुक रुक। अब मैं अपनी आखिरी काम खत्म कर लेता हूँ, अब तुम्हारी खेल खत्म। कहाँ गया? पेड़ के बिल में हाथ डाल दिया है। हाँ लाने चलो, इसमें तो एक जहरीला सांप है।
सांपे तो क्या हुआ, डंडे से मार दे। खत्म हो गया सांप, चलो हर को लेकर राजकुमारी के पास। बुद्धि रहने से सब कुछ होता है, बुद्धिमान के सामने कुछ भी असंभव नहीं। देखिए गोपाल भाड़, ये है गोपाल भाड़। गोपाल गोपाल सुन रहे हो? ओह, फिर से पीछे से बुलाने लगा। इस पागल को समझ में नहीं आता है कि किसी को पीछे से नहीं बुलाया जाता है। गोपाल बहरे हो गए हो क्या? वाह, कब से मुझे पीछे से बुला रहे हो? बचपन में माँ बाप नहीं सिखाए है क्या कि पीछे से बुलाने से अशुभ होता है? शुभ और अशुभ के बारे में तुम सोचो गोपाल, लेकिन हम गरीब ये नहीं सोचते हैं शुभ और अशुभ के बारे में, समझे गोपाल? क्यों, क्या हुआ? गोपाल तुम्हें हमारे गांव चलना होगा। ठीक है चलो, मैं चलता हूँ। आओ गोपाल आओ, ये देखो हमारे गांव का खेत। ये क्या, ये तो सारा फसल खराब हो गया है। देखो गोपाल, सारा फसल कीड़ों ने खाकर खराब कर दिया है। तो अब क्या करोगे? आत्महत्या? नहीं नहीं, आत्महत्या क्यों करोगे, आत्महत्या तो पाप है। नहीं नहीं, इसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हम लोग कर्ज में डूब गए हैं, हम लोग क्या करेंगे, आत्महत्या ही करना होगा। ठीक है तुम लोग परेशान मत हो, मैं जाकर राजा से बात करता हूँ, देखता हूँ क्या किया जाए। महाराज, हमारे पश्चिम दिशा का गांव एक बहुत बड़ा समस्या में पड़ा है। समस्या? क्या समस्या? उस गांव के सारा फसल खराब हो गया है, वहाँ के किसान पूरे कर्ज में डूब गए हैं, उन लोगों का खाना पीना दुश्वार हो गया है महाराज। वो लोग आत्महत्या कर लेंगे? नहीं, आत्महत्या महापाप है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आप राजा है, आपका कर्तव्य है। महामंत्री क्या किया जाए बोलिए। महाराज पहला कर्तव्य है उन्हें अर्थ का मदद किया जाए, पहले अर्थ दे दीजिए उसके बाद। हाँ, उसके बाद तो दूसरे फसल लगा दिया जाएगा, जब दूसरा फसल उग जाएगा तो उसी फसल को बेचकर कर्ज दे देंगे। बस आप ज्यादा बोलिए मत, तो वो लोग फसल कहाँ से लगाएंगे, कर्ज कहाँ से देंगे? हाँ क्यों, जैसे फसल उगाते वैसे ही वो लोग फसल उगाएंगे। बारिश नहीं होगा तो वो लोग फसल कैसे उगाएंगे? हाँ पानी कहाँ से मिलेगा? जिस राज्य का राजा इतना भाग्यशाली हो उसके प्रजाओं पर इतना दुख हो। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। सावन का महीना आ गया, अभी तक बारिश नहीं हुआ है तो फसल कैसे उगेगा? हाँ बारिश नहीं हुआ तो खेत कैसे उपजाऊ होगा? तो क्या करेंगे? हमारे मंदिर में जो पंडित जी है उन्हीं पंडित जी से हमें शांति पाठ करवाना चाहिए ताकि हमारे राज्य में बारिश हो। हाँ हाँ ठीक कह रहे हैं, मैं पंडित जी से जाकर बात करूँगा। बारिश होने के लिए शांति पाठ ये मैं नहीं कर पाऊंगा गोपाल। क्यों नहीं कर पाएंगे आप? मेरे आंगन में लकड़ी रखा हुआ है, बारिश होने से गांव वालों का फायदा है लेकिन मेरा नुकसान हो जाएगा बारिश होने से। तो आप शांति पाठ नहीं करेंगे? मैं बहुत उम्मीद से आया था। नहीं नहीं करूंगा, मैं अपना नुकसान कर कर मैं किसी और का फायदा नहीं कर सकता हूँ। हम्म,
तो क्या करेंगे? आप परेशान मत होइए महाराज, मैं तो शांति पाठ करवाऊंगा। किससे करवाओगे गोपाल? क्यों, दूसरे गांव का पंडित तो है ना, वही करेंगे पूजा। वो भी अगर मना कर दिए तो? नहीं नहीं, वो नहीं मना करेंगे। कैसे पता? एक तीर से दो निशाना करना होगा। हमारे मंदिर के पंडित से उनको जलन है। क्यों, मेरे पास क्यों आए हो? जाओ, तुम अपने गांव के पंडित के पास जाओ, वो तो बहुत अच्छा शांति पाठ करता है ना। मुझे तो पूजा पाठ करना नहीं आता। रहने दीजिए, उनके बातों पर मत जाइए। वो पंडित जी बहुत ही मतलबी है। हाँ क्यों, क्या किए है वो? बारिश होगा तो आंगन का लकड़ी भींग जाएगा, इसलिए। अच्छा तो ये बात है, उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। ऐसा शांति पाठ करूंगा ना मैं, तुम्हारा सिर्फ लकड़ी ही नहीं, घर टूटकर भी बारिश में बह जाएगा। तुम परेशान मत हो गोपाल, मैं शांति पाठ करूंगा। ओम बरसात स्वाहा, ओम ही कर्लिंग गणपताय सर्वजन मानव स्वाहा, वो मुंही बारिश। शांति पाठ तो हो रहा है गोपाल, बारिश होगा तो? सब पंडित जी के हाथों में है, और हमारे राजा प्रजाओं के कर्मों में होगा तो बारिश होगा ही। मैं बोला था शांति पाठ करवाऊंगा तो करवा रहा हूँ, वो भी एक अनाड़ी पंडित से। क्यों महाराज? हाँ सच में गोपाल, जो पंडित प्रतिज्ञा किया था शिवलिंग पे हाथ रख कर कि अपने जीवन में दोबारा शांति पाठ कभी नहीं करेगा, और तुम उससे ही दोबारा करवा दिए। तुम्हारा दिमाग का जवाब नहीं है गोपाल, तुम महान हो गोपाल। आज उसी की बात मैं तुम लोगों को बताऊंगा। एक दिन बिल्ली बोली म्याऊ म्याऊ, क्या मैं घर के अंदर आऊं? चूहा बोला ना 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 ना, बिल्ली मौसी अंदर मत आना। ए बदमाश, और जोर से और जोर से बोलो, और जोर से। बिल्ली बोली बोली म्याऊ म्याऊ, क्या मैं घर अंदर आऊं? चूहा बोला ना 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 ना, बिल्ली मौसी तुम अंदर मत आना। ठीक है और धीरे बोलो, अब धीरे बोलो। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। मास्टर जी मैं आपका थोड़ा समय लेना चाहता हूँ। अरे यह क्या बोल रहे हैं महाशय जी, थोड़ा क्यों, आप जितना चाहें उतना समय ले सकते हैं। आइए आइए महाशय जी आइए। तो बताइए पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? अच्छी अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी चल रही है। ए दोस्त, पढ़ाई क्यों बंद किया? पढ़ो पढ़ो अब पढ़ो। बिल्ली बिल्ली बोली म्याऊ म्याऊ, क्या मैं घर अंदर आऊं? चूहा बोला ना ना ना, बिल्ली मौसी तुम अंदर मत आना। तो अपने आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, इसीलिए बैठा कर इन लोगों को याद करा रहा हूँ। अच्छा है, बहुत अच्छा। मैं एक काम से आपके पास आया था। यह जो लड़का है इसका नाम विष्णु शर्मा है, विख्यात शर्मा परिवार का लड़का है, मतलब वही विख्यात नाटककार शर्मा जी के घर का। हाँ ठीक समझे हैं, यह लड़का विख्यात शर्मा परिवार का ही है, और शर्मा जी संपर्क में इसके चाचा लगते हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। देखिएगा जिससे स्कूल की मर्यादा बची रहे। हाँ हाँ अवश्य बचेगी महाशय जी, आप हमारे ऊपर अवश्य भरोसा रख सकते हैं महाशय जी। रोहन, अरे रोहन। जी सर। सॉरी जी सर। क्या सर? ए, थोड़ा हट करके बैठो, इस लड़के को बैठने की जगह दो। चलो जाओ विष्णु,
जा करके वहां बैठ। ठीक है सर जी। देखते देखते बहुत दिन बीत गए। छठवीं कक्षा के क विभाग में दो दल तैयार हो गया। एक दल हुआ विष्णु शर्मा का और दूसरा हुआ रोहन का। यद्यपि रोहन के दल को दल न बोलकर कुछ बच्चों का दल बोलना उचित है। यद्यपि रोहन के साथ विष्णु का कोई सद्भाव नहीं था, लेकिन दोनों दल के भीतर सद्भाव की कोई कमी आपस में नहीं थी। लेकिन एक दिन तुम्हारे चाचा जैसे महान विद्वान हमारे अंचल में कोई नहीं है। जैसा उनका दर्शन ज्ञान, उतना ही संस्कृत भाषा पर अधिकार। सचमुच उससे बढ़कर हिंदी भाषा पर भी उनका अधिकार है। असाधारण असाधारण। चाचा बहुत अच्छा लिखते हैं। लोग कहते हैं कि तेरे चाचा की कहानी में एक जादू है। जब तक कहानी खत्म नहीं हो जाता तब तक उठने का मन नहीं करता। बीच बीच में मुझे चाचा कहानी लिखना भी सिखाते हैं। वाह 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 वाह। तब तो मैं कह सकता हूँ कि जब तुम अपने चाचा जैसे महान नाटककार के पास बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, तो मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि तुम एक दिन महान अभिनेता बनोगे। समझे? आप चाचा के लिखे हुए कहानी और बनाए हुए नाटक कौन कौन सा देखे हैं? हाँ हाँ, वही राम वनगमन, केवट संवाद और सबसे अच्छा लगा था भरत मिलाप। आहा, वही रावण वध, सीता हरण के समय सीता किस तरह रो रही थी, देखे हो तुम लोग ना? बाली वध के बाद सुग्रीव रावण के मृत्यु के बाद मंदोदरी का रोना, लक्ष्मण को शक्तिबान लगने के बाद राम का रोना। ओह, इतने दुख भरी कहानी सुनकर मेरे आंख से आंसू आ गया। और जब राम धनुष तोड़े थे, मेघनाथ की वध किए थे, रावण की वध किए थे, वो दृश्य। ओह अपूर्व अपूर्व असाधारण। राम जिस समय शिव धनुष भंग कर रहे थे ना, उस समय राम नहीं लगता था, मैं शिव धनुष भंग कर रहा हूँ। और रावण वध के समय रावण का चित्कार सुनकर मेरे शरीर के प्रत्येक रोम उत्तेजित होकर खड़े हो जाते थे। बोलो तो बोलो, तुम्हारे चाचा इस समय कौन नाटक लिख रहे हैं? दुर्योधन के पट तोड़ना। दुर्योधन का जंघा तोड़ना? वाह 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 वाह, सुंदर, खूब सुंदर। यह नाटक तो हमें देखना होगा। देखो अभी याद आया, बातों ही बात में टिफिन की घंटी लग गई। ओह, आज तो कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं हुई। एक बात ध्यान से सुनो, कल तुम लोग कबीर दास के दोहे अच्छी तरह याद करके आना। सब सुन लिए? तो मैं कल पूछूंगा तुम सबसे। सुना हूँ तो अपने चाचा के पास नाटक सीखता है। हाँ रे, बोलने में बहुत झमेला है। झमेला कैसा? अरे जो भी सुनता है कि मैं एक नाटक कार्य का भतीजा हूँ और 7-8 साल से नाटक सीखता हूँ, सभी आ जाते हैं मेरे पास नाटक सुनने के लिए। सच में मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ इस नाटक के वजह से। अब बहाना मत करो, अब दिखा भी दो अपनी कला। अभी? हाँ हाँ अभी अभी। ज्यादा भाव मत खाओ, शुरू करो। बस बस, ज्यादा भाव मत खाओ, जल्दी बताओ वरना घंटी बज जाएगी स्कूल की। देख रहे हो तुम लोग, कैसे बोल रहा है गोपी, मैं क्या भाव खा रहा हूँ? नहीं भाइयों, मुझे नाटक नहीं सुनाना है। आह गुस्सा की हो रहे हो, वो तो ऐसे ही तुमसे मजाक कर रहा था, उसकी तो मजाक करने की आदत है। तुम सुनाओ ना। हाँ हाँ सुनाओ ना सुनाओ ना। ठीक है सुनाता हूँ। बबलू अपना डंडा दे। लो ये लो, मैं भीम, ये है मेरा गदा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ओए लंकेश्वर, बता दे कहाँ है सीता माँ, वरना तुझे इस गदे से मार कर कर दूंगा निर्वास, और तेरे स्वर्ण लंके में लगा दूंगा आग। ए बदमाश लड़का, ऐसे हंस क्यों रहा है? ऐ जैसे डंडा लेके घूम रहा है, तो देख के लग रहा है कि जंगलों में जैसे बकरी भैंस चराने जा रहा है। भाग बंदर।
का है? रुक, तुझे मैं सबक सिखा के रहूंगा। ए, बैठो, सभी बैठ जाओ। यह क्या, यह दो बैग किसका है? हैं? सर, नंदू और बबलू का। दोनों कहाँ हैं? बगीचे में सर, खेल रहे हैं। वो देखिए सर, पृथ्वी के अनोखे खिलाड़ी आ रहे हैं। अंदर आए सर। आऊं सर, तुम दोनों कहाँ गए थे बताओ? वहाँ पेड़ के नीचे सर बैठा था। सर जानते हैं, वो दोनों मुझे गाली दिए हैं। हाँ हाँ हाँ, वो मुझे गाली दिया है। तू क्या किया है जो उसके मुंह पे थूक के चलाया है? हाँ सर, ये लड़का मुंह पे थूक दिया है। जिसके मुंह पर थूक फेंका गया, उस घटना का वर्णन उसी के मुंह से सुनना अच्छा रहता। क्या हुआ बोलो रोहन। हाँ सर। हाँ, ये लड़का मेरे मुंह पे सच में थूका है सर। हाँ सर, पहले वो मुझे गाली दिया, फिर मैं उसके ऊपर थूका हूँ। अच्छा किया था, तुमने गाली उसे क्यों दिया था बताओ तो। सर, ये जैसे डंडे लेके हम लोगों को कहानी बता रहा था, वैसे ही तो भेड़ बकरियाँ जंगलों में चराने वाले चरवाहे लेके जाते हैं, वही देख के मुझे याद आ गया और मैं हंस दिया। चुप रहो, तुम दोनों पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो, हमेशा झगड़ा की बात किया करते हो, आपस में लड़ते हो। तुम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, विद्यालय में पढ़ने के लिए आते हो लेकिन पढ़ना लिखना तो दूर, आपस में सब समय एक दूसरे की शिकायत लेकर के आते हो। चलो बोलो, संस्कृत में घोड़े और हाथी को क्या कहते हैं? संस्कृत में घोड़े हाथी को क्या कहते हैं? गजराज और ए, ए, बोलो बोलो, इतनी देरी क्यों करते हो? गधा खगा मोर। पढ़ाई लिखाई तो करते नहीं हो, अभी मैं बताता हूँ। लग रहा है सर, लग रहा है। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है, अभी जाके बताता हूँ दोस्तों को। पापी लंकेश्वर, तू सीता हरण करके अपना मृत्यु अपने पास बुलाया है आज। तभी रावण बोलता है, सीता से मैं विवाह भी करूंगा। तभी रावण बोलता है, सीता मेरी है, मेरी है, मेरी है। तभी रावण बोलता है, सीता को कहाँ बंदी करके रखा है वो रावण। ए, तुम लोग एक बात सुने हो? कैसी बात? हमारे स्कूल में पूजा का छुट्टी से पहले एक कार्यक्रम किया जाएगा, उस कार्यक्रम में मैं भी कविता में हिस्सा लूंगा। तू किस में लेगा? गाना में? मैं तो नाटक में हिस्सा लूंगा। तू कौन सा नाटक करेगा? छोड़, आगे क्या हुआ कहानी में? फिर श्री राम जी जाते हैं हनुमान जी के पास ये बताने कि न जाने कहाँ रखा है वो लंकेश्वर मेरे सीते को। तभी हनुमान जाते हैं, वहाँ जाके लंकेश्वर को चेतावनी देते हैं और उथल पुथल मचा देते हैं। आह, ए बदमाश लड़का, इसके सर पे क्यों मारा छतरी से? हाँ, मैं जानबूझ के थोड़ी ना उसके सर पे मारा हूँ, कहानी में था। हनुमान अपने गदे से रावण के सैनिकों को मारता है, इसीलिए। देख रहा है वो कैसे बोल रहा है लड़का? ची ची, बदमाश लड़का, मैं क्या रावण का सैनिक दिख रहा हूँ तेरे को? हाँ बोल। रुक बताता हूँ। आए बंदर, मुझे धक्का क्यों दिया? तूने मुझे थप्पड़ मारा, रुक बताता हूँ। नहीं छोड़ूंगा, पहले तू छोड़। छोड़ मुझे, छोड़ो। क्या भूल करती हो
प्रतियोगिता में यही नाटक करने से कैसा होगा? बहुत अच्छा होगा। और इसका नाम होगा राम और रावण का युद्ध। तो फिर चलो सब लोग मिलके हेडमास्टर के पास चलते हैं। सोच रहा है तू? सही समय आने दो तब बताऊंगा मैं। अरे रुक, क्या लेके जा रहा है? इसमें नकली दाढ़ी है, नकली बाल है और उसके गोपाल के हाथ में ढेर सारे अस्त्र शास्त्र। अरे सुन ना गोपाल, अपना तलवार तो दिखा इसको, दिखा दिखा दिखा। हाँ देखो, लो लो लो। सुन, मेरा एक काम कर देगा तू? क्या काम? तुम उस विष्णु से बात करके मुझे भी उस नाटक में ले लो ना। क्या हुआ, जल्दी चलो उससे बात करके समय मत खराब करो, बहुत काम है। हाँ हाँ आ रहे हैं, चल रहे हैं, चलो। ठीक है, हम लोग चलते हैं, चल चल दोस्त जल्दी। भाई मेरी बात याद रखना। हाँ हाँ याद रहेगा। क्या मेरे नाटक में हिस्सा लेगा? असंभव है। विष्णु एक बात बोलूं तुम्हें? हाँ बोलो। नाटक में जो मरने का दृश्य है वही अभिनय उसको दे दो, ठीक है? हाँ कुछ भी हो, एक ही कक्षा के दोस्त हैं ना हम लोग। जाके पूछ, दास बनेगा वो? क्या इतनी बड़ी बात, शैतान लड़का। आप मुझे माफ कर दीजिए कृपया करके। बोल, मुझसे युद्ध करेगा? आ जा युद्ध करने। महाराज मैं आपसे कैसे युद्ध कर सकता हूँ? महाराज आप तो बहुत ही शक्तिशाली है, विशाल है, मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता महाराज। अरे बदमाश लड़का, नाटककार बन रहा है तू? सही से नाटक सिखा वरना सजा मिलेगी तेरे को। कौन से देश से युद्ध करोगे? हिंदुस्तान, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश? ले बदमाश लड़का। सर्वनाश सर्वनाश हो गया। क्या हुआ? पता है नाटक में पता नहीं कौन तुम्हारा नाम काट के वहाँ पे चरवाहा लिख दिया है, वही लेके सब चिल्ला रहे हैं। जल रहा था वो। ये सब उसी बदमाश का काम है, हिंसा कर रहा है वो। तुम लोगों को लेके मैं नाटक करूंगा, सभी दर्शक देखेंगे, प्रसन्न होंगे, तालियां मारेंगे, उसी बदमाश का काम है। चल हम लोग अपना नाटक शुरू करते हैं। हाँ हाँ महाराज, आपकी महिमा तो अपरंपार है। हाँ ठीक है ठीक है। नहीं, वो बहुत ही अत्याचारी है, एक बार जाके उसे ललकारा जाए तो वो अवश्य बाहर आएगा युद्ध के लिए। उत्तम प्रस्ताव है। पापी लंकेश्वर कहाँ छुपा है, निकल बाहर। तुम लोगों को मैं समझाया था कि युद्ध में रावण हारेगा, तुम लोग तो नाटक ही उल्टा कर दिए पूरा। देख विष्णु, तेरे वजह से ही हम लोगों से गलती हुई। क्यों, मेरा क्या गलती है? नाटक की बातें खत्म होने से पहले दरवाजा तूने खोल दिया, और तूने ही तो बोला था कि दरवाजा खुलते ही हम लोग भाग जाएंगे और तुम लोग हम लोगों से युद्ध में हार जाना, लेकिन हम लोगों के आने से पहले वो लोग भाग गए, इसीलिए मैं भी खुश हो के थप्पड़ मार दिया। अच्छा बहुत अच्छा, महाराज को थप्पड़ मारा तूने? हाँ वाह वाह क्या बात है। हाँ भाई गलती तो हम लोगों से हो ही गई है, लेकिन तूने क्या ये सोचा है कि नाटक में क्या है दर्शक जानते हैं क्या?
इसीलिए हम लोगों को झगड़ा छोड़ के नाटक में आगे क्या करना है बात करके तय कर लेते हैं। पहला दृश्य तो सही से नहीं कर पाए तो बाद वाला क्या करोगे? क्यों, अगला दृश्य तो आसान है। महाराज से मैं झगड़ा करूँगा और तभी तुम आके खटक। ये क्या, पन्नों पे सिहाई फेंक दिया? हाँ? अरे पर्दा उड़ गया, चलो चलो तुम सब चलो। अपराधी तेरी सजा आज स्वयं राजा करेंगे। ये देखो मैं आ गया सेनापति। ओ आ गया, फेंक 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 छिलका जल्दी। अरे महाराज गिर गए हैं, उठाओ कोई उठाओ, जाके उठाओ उठाओ उठाओ, अरे जाके उठाओ 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 जाके उठाओ। सेनापति ये क्या रत्न नगरी है? अरे ये कहानी नहीं है। तो फिर ओफ वह दुष्ट मानव, अभी मैं तुझे घायल करके मार दूंगा, खत्म कर दूंगा। आह ये भी नहीं है कहानी में, वो तो किसी और में है। हाँ ये क्या, ये भी नहीं। ओह याद आ गया। कहाँ बच के भागेगा तू, तेरे पीछे भूत है। कहाँ जाओगे सब बच के, मैं भूत हूँ, मैं सबको खा जाऊंगा। ए शैतानो हंस क्यों रहे हो तुम सब? हाँ बंदर कहीं का मुझे मारा क्यों? हाँ तेरी हिम्मत तो कम नहीं, मुझे मारता है। मारामारी देखिए ना सर, ये मुझे पटक पटक के मार रहा है। पर्दा गिराओ पहले। गंदा नाटक था, अच्छा नहीं था। थी, थी, थी। गंदा नाटक गंदा नाटक गंदा नाटक। इसके बाद ही विष्णु कभी भी अपने नाटक की प्रशंसा नहीं करता।